तो सुमरा दा कम पॉलिसिया नी दी दा बिल्कुल जुलम दे सरकारी मुलाजिम का दा दी मंगा भरपूर मुखालफत को और मंगा दा दा खबर को खपा दा मानी जी बीज मंगा का मुतालबात की सालाना इंक्रीमेंट दे दा दी खत्म होलो दे कोशिश की मंगा दा खत्म होलो ते न प्रीदु दा पेंशन खत्म होलो कोशिश की मंगा दा खत्म होलो ते न प्रीदु बया दा के नरुस तो का दा असेंबली के दा खजाना हुई वजीर खजाना च भाई खजाना खाली दा सरकारी मुलाजिम लसा वर्ग टिक दा मंगा बनू खजाना खाली दा तो जी 300% एमपीए ल जाता है आखिर पारा खजाना डा करा द सरकारी मुलाजिम दारा खजाना खाली दा ता दो कालों के बार मुल्कों ने 14,000 अरब ता कर्जा अगस्त रहा चर तला का पैसे खजाना डा करा खजाना डा करा खुद अखबल जीबू ना खाली दी अखबल जीबू ने डगी जगह सरकारी मुलाजिम ना करेगी और दामंग पस सूरत माने न मनु कदू सुम रजोर लगे दूध अखबल जोर लगे खुद सरकारी मुलाजिम मंग भाई इंशाल्लाह द स्केल एक नवाखली द स्केल 22 अप्रैल तो सुम सरकारी मुलाजमीन दी मंग भाई यौकी को इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट के महंगाई संग बार महंगाई बखबर ही नहीं पेट्रोल पसू दी गैस पसू दी टमाटर दारू ना पसी दी टोल महंगाई दा लिहाजा दे दा इंशाल्लाह 25 अक्टूबर माने जमुन पे इस्लामाबाद के द पार्लियामेंट हाउस में जलसा दा और दाखिल पारा इंशाल्लाह टोल तैयार है आप लोगों के साथ था अब भी हूँ और पीपल पार्टी पहले भी आपके साथ थी अब भी है और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर भी रहेगी अगर हमारे खून की जरूरत भी पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपके लिए अपना खून भाग कर दिखाएंगे कि आज ये हमारी इब्तिदा है यहाँ पे पुरअमन एहतजाज ये आज से शुरू हो गया लेकिन हम उनको मुतनबे करना चाहते हैं अगर अगर इस एहतजाज के हवाले से अगर हमारे मुतालिबात को नहीं माने और हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये समंदर अगर पेशावर और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तो मैं सारे हुकूमत को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें समंदर में तिनके की तरफ बहा देंगे तो हमारी मुतालिबात को यही पे माना जाए। मुलाजमीन से जो इंक्रीमेंट कटिंग की बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर तो हम इसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं हम इसके खिलाफ उठे हैं। एक तो हक मांगना होता है तो हक मांगने के साथ साथ हम इस बात के जो हमसे हक छीना जा रहा है जो हमारे पेट से जो नवाला निकाला जा रहा है हम उसके खिलाफ अब ये एहतजाज कर रहे हैं कि अगर ऐवान इक्तदार के अंदर ये लोग हमारी वोटिंग से हमारे वोट से जाकर वहाँ पर बैठकर अपने लिए 200% तनख्वाह बढ़ा सकते हैं तो इनको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप मुलाजिम के पेट से जो खाए और नवाला है उसको निकाल सकते हैं। ये इनके बाप के घर से तो नहीं आया हम इनके बाप के मुलाजिम तो नहीं है हम आइन के मुलाजिम हैं हम रूल रेगुलेशन के मुलाजिम हैं तो इस रूल रेगुलेशन के अंदर रहते हुए ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान 1947 को मरज वजूद में आया है। तब से जब भी कोई बजट निकला है किसी गवर्नमेंट का भी तो उसमें किसी मुलाजिम से कटौती नहीं हुई बल्कि मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई गई है चाहे वो 1% हो या 0.something हो। हुकूमत जमंग मुतालिबात कम चेशा से जिक्र उशू तदा हल नशू इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो मंग जू आओ टोल बजू दा बने दिया कि दा मंग मामूली द स्कूल ना या द या दफ्तर ना या कस रागलियो अब अगले वो मंग द सेल में पाए कि वह पाती नहीं बाओ इंशाल्लाह मंग A to Z द एक नवाख लियो द 22 तक पूरी जो सोमरा कैटेगर्स आगा मुलाजमीन दिन आगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो टोल। ठीक है और वाकई ये तुम लोगों का घर है ना तुम लोगों ने कोई भी ऐसी चीज है ना कि जो भी तुम घर से कदम बाहर निकालते हो तुम्हें लगता है कि यार इसमें हमें दखल अंदाजी करनी चाहिए हमें इसको ठीक करना चाहिए गलत काम हो रहा है फौरन उसकी निशानदेही करो। निशानदेही का ये मतलब नहीं है कि तनकीद करनी है कि वो देखो यार ये सोए हुए हैं वो ये कर रहा है ये कर रहा है वो नहीं कर रहा ना निशानदेही ये करनी है कि कोशिश करो कि उसको ठीक करें बंदों को बुलाओ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाओ आओ जी हम मिल के काम करते हैं हम आपके साथ हैं ठीक है ये नहीं सोचना कि यार ये लेते हैं और हम लेते हैं सब एक हैं और सब ने मिल के तौरगर को इस तरह बनाना है कि बिल्कुल पता चले कि यार के तौरगर क्या चीज़ है ठीक है जिस तरह खूबसूरत अल्लाह ताला ने इसको बनाया उसी तरह खूबसूरत इसके सारे मामलात हमें करने हैं ठीक है चलो आ जाओ शाबाश शुरू
मेरी रिक्वेस्ट यही होगी डीपीओ से और उनकी टीम से और सबसे कि इसको अच्छे तरीके से चलाएं, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों जो लोग आते हैं अच्छे तरीके से मिलें, बिठाएं, उनके काम करें। आपने देखा यहाँ पे जेएस बैंक का नुमाइंदा भी यहाँ पे मौजूद है कि बैंक जाने के लिए भी तकलीफ ना करनी पड़े, वो सारा सिस्टम करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें और वो ये करें कि जब जब टेस्ट लें तो वो फिर सख्त टेस्ट लें, फेल को करता तो फेल करें, उसको कहें ये महीने के बाद ले रहा हो। सख्ती करें, सख्ती इसलिए करें, सख्ती उस बंदे के हक में भी बेहतर है और सख्ती सबके लिए बेहतर है, ताकि ऐसे लोगों को टेस्ट लाइसेंस मिले कि जो वाकई अहल हों, अपनी जान को भी महफूज रखें, बैठे हुए अहले खाना को भी, बच्चों को भी महफूज रखें, बाकी जो पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं उनको भी महफूज रखें। मैं जहां भी रहा हूं कोशिश हमेशा यही की है कि वहां पे सख्ती होनी चाहिए, कोई बात नहीं महीने के बाद मिल जाए, लेकिन वो बंदा इतना प्रोफिशिएंट हो। और आपका ये जो रास्ता है सारा यहां से लेके तो नीचे तक, वो हिली एरिया है, वो मुश्किल एरिया है, तो ये मेरी ज़रूर आपको एक इसमें हदायत भी होगी और आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि उसको सख्ती, कोई मसला नहीं है, वो बंदा सीखे, दोबारा उसको हेल्प भी करें, उसको गाइड भी करें, उसको ट्रेन भी करें, लेकिन कोशिश करें कि वो लोग लें कि जो वाकई इसके इस अहल हों, इस काबिल हों कि अपनी जान भी बचाएं, लोगों की भी जान भी बचाएं और एक अच्छा ट्रैफिक पैदा हो। उगी एक डिटैच्ड एरिया है कि मानसेरा से बहुत दूर है, उगी अब खुद में एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है कि जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह सारे पुरमन लोग हैं और कानून पे अमल करने वाले लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें भी इस तरह की कोई ड्राइव चलाएं, डीपीओ साहब उगी को मिसाल बनाएं, कम से कम ट्रैफिक के लिहाज से। मैं अभी आता हूँ, आपने सारी वो काफ़ी सारी बातें की और वो सारी पुलिस की नुमाइंदगी आपने की और अवाम की नुमाइंदगी भी आपने की, मैं उन पर आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ 3 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं, इन सब मशर हैं, इज्जतदार लोग हैं, सारे पुरमन लोग हैं, अच्छे शहरी हैं, इनको इन्वॉल्व करें, एकेडमिया को, स्कूल कॉलेजेस को इन्वॉल्व करें, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्वॉल्व करें, सबको इन्वॉल्व करें और एक कैंपेन चलाएं कि जो ट्रैफिक सेंस है वो बेहतर हो, लोग ट्रैफिक के कवानीन की पे अमल दरामद करें, उनको फॉलो करें,